motion of a charged particle, then angle between velocity and b vector is not 90, because 90 होगा तो particle will move in a circle. Non 90 में non transverse field है, transverse field नहीं है, तो diagram कुछ ऐसा बनेगा कि suppose ये आपका magnetic field है b vector, ये आपके पास velocity vector है v vector. तो एंगल इनके बीच में 90 नहीं है, एंगल इनके बीच में क्या है, थीटा. ठीक. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक मिनट के लिए सेम क्वेश्चन मैं आपको दूं, सेम क्वेश्चन दूं, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यह दे देता हूं, चलो वेलोसिटी ने एंगल बी के साथ क्या बनाया, 90. चलो बना दिया 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90. तो पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल. सर्कल कैसे मूव करेगा, डायरेक्शन बोलो, क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा, कि बोर्ड के बाहर करेगा कि अंदर करेगा. ऑनलाइन बोल सकते, ऑनलाइन स्टूडेंट बोल सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी सर्कल की, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोर्ड के ऊपर या बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर. और पॉजिटिव चार्ज है, प्लीज हमने इससे पहले ये केस किया था ना, जिसमें ये वी वेक्टर था, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, पार्टिकल कैसे मूव करता था, ऐसे मूव कर, ऐसे था. नोट करने वाली बात क्या है कि वी वेक्टर बोर्ड के ऊपर है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, पार्टिकल का मोशन बोर्ड के ऊपर इस प्लेन में है. तो बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक प्लेन में है. देखो एक वेक्टर को तो बोर्ड के बाहर जाना पड़ेगा. अब इस क्वेश्चन में वी वेक्टर और बी वेक्टर बोर्ड के ऊपर है, तो फोर्स वेक्टर या तो बोर्ड के बाहर है या बोर्ड के अंदर है, क्योंकि आपस में तीनों किसमें होंगे, 90 डिग्री पे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. तो ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, एक को तो बोर्ड के अंदर बाहर जाना है, राइट. तो बी वेक्टर नहीं गया तो एफ वेक्टर, वी वेक्टर नहीं गया तो एफ को जाना पड़ेगा. डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. बी कहां पर है, इधर. बी कहां पर है, ऊपर. फोर्स कहां पर है, अंदर. तो सोचो अगर फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है, इनसाइड है, तो सेंटर कहां मिलेगा, इनसाइड. यहां मिलेगा सेंटर, क्योंकि फोर्स कहां एक्ट करती है, टुवर्ड्स सेंटर. तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, पार्टिकल मूव करेगा कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, मतलब ऑब्वियसली पार्टिकल ऐसे जा रहा था, पर सेंटर कहां मिलेगा उसे, यहां पे. तो फोर्स यहां लग रही है, पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा, सेंटर यहां मेरी तरफ है ना, तो सेंटर की तरफ जाएगा, तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ये रहा पार्टिकल, देख रहे हो यहां तक, ऐसे मोशन होगा क्योंकि सेंटर यहां पे है, तो इसके आसपास घूमेगा. समझ में आ रहा है यहां तक, पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमेगा. कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर. तो एग्री करते हो कि पार्टिकल सर्कल में या तो बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर घूमेगा, बात खत्म. ठीक है. अब दूसरी चीज मुझे यह समझानी है इसमें कि सपोज करो, चलो ये तो एक केस हो गया, पर हमारा ये केस है नहीं ना, हमारा केस है, तो हमारा ये केस है कि सपोज करो बी वेक्टर ऐसे है और वी वेक्टर कुछ ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल थीटा है ही नहीं. तो ऐसे केस में ये एंगल कितना है, थीटा. तो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट यहां होगा, एक कंपोनेंट यहां होगा. तो ये कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा, v cos थीटा, v sin थीटा. कोई डाउट इसमें? ठीक है. अब क्योंकि मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए हैं, तो मैं इसे हटा रहा हूं, प्लीज यहां से ये लो. ठीक है. तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, मैं दो मिनट के लिए इसको हटा रहा हूं, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, दो समझाने के लिए. तो ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बी के साथ एंगल क्या बना रही है, 90. तो ये कंपोनेंट अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल किसमें घूमेगा, इन अ सर्कल. अभी डिसाइड हुआ था, बस फर्क यह था मैंने वी ड्रॉ किया, इसमें वी साइन थीटा है, तो वेलोसिटी इज ना आएगी, तो वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर आएगी, तो वेलोसिटी ना. तो ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बी के साथ अगर एंगल 90 बनाता है, तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, और अगर पार्टिकल सर्कल में घूमेगा,
तो कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है ऐसे केस में पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए? आप आंसर क्या देंगे? वी साइन थीटा। तो अगर वी कॉस थीटा ना होता तो पार्टिकल खड़ा खड़ा सर्कल घूमता रहता। प्रॉब्लम क्या है? यहां पर वी कॉस थीटा भी है, वी कॉस थीटा भी है, जो पार्टिकल को कहां लेके जाएगा? इस तरफ। अब सोचो, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है बिकॉज ऑफ वी साइन थीटा, और वी कॉस थीटा इधर लेके जा रहा है, तो पार्टिकल सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी आएगा। तो बेसिकली जो पाथ होगा वो क्या होगा? हेलिकल होगा। सर्कल में भी और आगे भी जाना हेलिक्स पाथ है। तो ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लियर है कि हेलिकल पाथ क्यों ट्रेवल करेगा? यस सर, तो फिर यस सर। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि बताओ पार्टिकल की इस हेलिक्स में कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए, तो आंसर क्या होगा? वी साइन थीटा। कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में लेके जाने के लिए? वी कॉस थीटा। ठीक है यहां तक? अब अगर मैं बात करता हूं पार्टिकल की सर्कुलर मोशन की, तो ऐसे केस में पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो वी साइन थीटा पार्टिकल की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये वेलोसिटी क्या करेगी? पार्टिकल को किसमें घुमाएगी? इन सर्कल। तो ये बताओ ऐसे केस में जब V और B में एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पे क्या लगेगी? बी क्यू वी साइन ऑफ क्या? थीटा। 90 नहीं, क्योंकि V और B में एंगल यहां पर क्या है? थीटा। या ऐसे भी बोल सकते हो पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी पे काम हो रहा है? वी साइन थीटा। तो ऐसे कर लो कि जैसे मान लो ये आपके पास बी वेक्टर था, ये आपके पास वी साइन थीटा, ये देखो वी साइन थीटा। तो वी साइन थीटा और बी वेक्टर में एंगल क्या है? 90। तो ऐसे अगर मैं ये बोलूं कि अगर यहां v sin theta क्या v होता, तो फोर्स क्या होती? bqv sin 90। इसमें क्या होगा? bqv sin theta into sin 90। ऐसे बोल दो v और b में एंगल थीटा है, तो सीधा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? bqv sin theta, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल क्या बनाया हुआ है? b वेक्टर के साथ थीटा। तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? v, इनके बीच में एंगल थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फोर्स कहां एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। और क्या प्रोवाइड करती है पार्टिकल को? सेंट्रिपिटल, क्योंकि ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। तो पार्टिकल की जो मैग्नेटिक फोर्स है बी क्यू वी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। पर यहां पर वेलोसिटी क्या पुट करें बताओ? वी की वी साइन थीटा। v sin थीटा, क्योंकि यहां पर कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए? हमने क्या डिसाइड किया? v sin थीटा। तो पार्टिकल सर्कल में किस वेलोसिटी से घूम रहा है? v sin थीटा, v के साथ नहीं, v sin थीटा के साथ। तो यहां पर भी क्या आएगा? v sin थीटा। ये स्टेप क्लियर है सबको ऑनलाइन? यस सर। अच्छा, स्पेशल केस ले लेता हूं और क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके केस में थीटा 90 है, इसी केस में थीटा 90 है। अब तो पुराना पुराना केस हो गया, V और B में एंगल 90, तो पार्टिकल विल मूव जस्ट इन अ सर्कल। तो 90 पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो पुराना रिजल्ट आ जाएगा BQV is MV square by R। तो हेलिक्स में जब एंगल थीटा बना होगा, तो सारा काम सर्कल में कौन कर रहा है? V sin थीटा। तो V sin थीटा से एक V sin थीटा कैंसिल, तो R की वैल्यू आ गई M V sin थीटा, V की जगह V sin थीटा डिवाइडेड बाय BQ। तो प्लीज फॉर्मूला नोट करें, तो एक तो ये डायग्राम ड्रॉ करें फॉर्मूला बुकलेट में, B वेक्टर, V वेक्टर, थीटा एंगल और ये हेलिक्स। तो प्लीज इसके साथ ये नोट करें कि यहां पर ये फॉर्मूला जिसमें ये V cos थीटा है और ये V sin थीटा है, ऐसे। तो रेडियस का फॉर्मूला हेलिक्स में नोट करें, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा सीधा। और अगर एंगल 90 निकला तो थीटा की जगह 90, तो फिर पुराना रिजल्ट आ जाएगा क्या? एम वी बाई बी क्यू। 90 नहीं हुआ तो ये रहा। और सोचो अगर एंगल जीरो हुआ, बी और वी में एंगल जीरो, तो हमने किया था कोई फोर्स ही नहीं लगती, बी क्यू वी साइन जीरो इज जीरो। अच्छा यहाँ देखो साइन जीरो तो रेडियस होगा ही नहीं, जीरो। तो सारी चीजें होगी इसमें क्लियर?
तो ये वैल्यू आ गई आर की। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज करो मैं ये पूछूं कि अगर ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी क्यू, तो एक पार्टिकल एक चक्कर कंप्लीट करेगा सर्कल में, कैसे? ये देखो, यहां से स्टार्ट होगा, घूम के यहीं पर नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा क्योंकि वी कॉस थीटा उसको आगे लेके जाएगी, पर यहां से यहां आने में टाइम टेकन एक चक्कर में कैपिटल टी है, तो मैं निकालना चाहता हूं कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो टाइम पीरियड क्या होगा? देखो, 2 पाई आर, एक चक्कर का डिस्टेंस 2 पाई आर, डिवाइडेड बाय वी, नहीं वी साइन थीटा, क्योंकि एक चक्कर में सर्कल में घुमाने के लिए वेलोसिटी यहां पर क्या यूज की जा रही है? वी साइन थीटा। सर्कल में घुमाने की वेलोसिटी वी साइन, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी साइन थीटा, तो क्या आएगा? 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में काम करते हैं, आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी क्यू डिवाइडेड बाय वी साइन थीटा। अब वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसल, तो टी की क्या वैल्यू आ गई? 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। क्या इस स्टेप क्लियर है? फॉर्मूला नोट करें प्लीज। रेडियस का फॉर्मूला हेलिक्स के क्वेश्चन में नोट कर लिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हेलिक्स के क्वेश्चन में नोट कर लिया, ठीक। टाइम पीरियड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, तो क्या आएगा? बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नोट करें प्लीज, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है यहां तक। अब टाइम पीरियड होता क्या है? देखो, अगर मुझे ओमेगा निकालना है, चलो अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? बी क्यू डिवाइडेड बाय एम। तो ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज। तो रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आपस में रिलेटेड है सब। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है। अब सपोज करो आपके पास टाइम पीरियड आ गया, ये रहा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आया था अभी? 2 पाई एम बाय बी क्यू, ये आया था एक चक्कर का टाइम। जब एक पार्टिकल हेलिक्स में घूमेगा, तो मान लो अगर वो यहां से स्टार्ट होता है तो घूम के वापस थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे होता है, तो यहां से सर्कल के ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे ये मान लो यहां से चला, सर्कल में घूमा, यहां नहीं आएगा, मान लो यहां गया कैपिटल टी टाइम पीरियड में, यहां आ गया, तो एक कैपिटल टी टाइम में एक चक्कर में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एक पार्टिकल कवर करता है हेलिक्स में, इसका नाम होता है पिच। पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या बोलते हैं? पिच। और जो पिच, जो पिच होती है वो डिस्टेंस किस एक्सिस में होता है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में बोलो वेलोसिटी कितनी है जो एक्स में इसको लेके जा रही है? वी कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस में वी कॉस थीटा। तो अगर आप पिच निकालना चाहते हैं तो आप अप्लाई करें एस इज इक्वल टू वी टी, एक्स की जगह, एस की जगह पिच, तो आप पिच निकालना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? वी कॉस थीटा। और टाइम पीरियड कैपिटल टी, एक चक्कर का टाइम इज कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो ये टर्म आ गई यहां पे, तो इसमें पिच विल बी इक्वल टू वी इनटू कॉस थीटा, और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो ये फॉर्मूला आ गया पिच का, नोट कर ले प्लीज। तो पिच इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम पीरियड कैपिटल टी।